मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 के आयोजन में प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही ज्योति रात्रे को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। ज्योति रात्रे द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के साथ साथ विभिन्न महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर चढ़कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन किया गया है। ज्योति रात्रे द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदाय किए गए झंडे इन ऊंची चोटियों पर स्थापित किए गए हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लेटोरिया एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा बोर्ड के वर्ष 2023 का कैलेंडर का विमोचन भी किया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 में किए गए कार्यों का सुंदर चित्रण भी किया गया है। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समस्त प्रकार के कबीरा खादी वस्त्रों पर 40% एवं विंध्या वैली ब्रांड उत्पादों पर 30% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। शुरुआत कर रहे हैं नए वर्ष में, आज संक्रांति का भी दिन है। सभी को शुभकामनाएं। हमें बहुत खुशी है कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सिंगरौली विधायक जी और ज्योति रात्रे जी, जो भोपाल की बड़ी अचीवर हैं, जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट जो चोटियां हैं उनको फतह किया है, हमारे बीच आज मौजूद हैं इस शुभारम्भ के अवसर पर। इस मेले में हमारे परिसर में लगभग 12 राज्यों की 90 एंट्रीज हैं, जिसमें कि खादी और खादी से बने हुए कॉस्ट्यूम्स, साड़ियाँ और इसके अलावा ग्रामोद्योग की बहुत विविध सामग्री उपलब्ध है। हमने माटी कला और बांस शिल्प को भी इसमें शामिल किया है। शुभारंभ हो रहा है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बुनकर हैं, कतिन बुनकर हैं, ऐसे कारीगर हैं, उनको कैसे रोजगार मिले, इसी उद्देश्य से इस राष्ट्रीय खादी मेला जो उत्सव मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल। आज शुभारम्भ किया गया है। इस अवसर पर हमारे सिंगरौली के विधायक उपस्थित हैं।